जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है इन्फो फॉर ऑल में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आधार सीडिंग बैंक को कैसे जाना है। बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट के जो होते हैं जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट आपको पैसे ट्रांसफर करती है डायरेक्टली आजकल आधार के माध्यम से। आधार के माध्यम से कैसे ट्रांसफर होता है, इसका मतलब ये है कि आधार आपका लिंक होता है किसी बैंक से। तो इंसान के ऐसे बहुत सारे आप देखोगे कि हर आदमी के दो चार अकाउंट होते हैं, किसी के एक ही अकाउंट है, किसके तीन चार, किसके पांच अकाउंट है, बट हर बैंक केवाईसी कराती है, आधार से लिंक कराती है। तो आपको पता नहीं रहता है कौन से अकाउंट में मेरे पैसे आए गवर्नमेंट अगर मुझे ट्रांसफर करेगी आधार के थ्रू। इसके लिए आपको क्या करना है, आधार सीडिंग में आप आधार सीडिंग ऐसे टाइप कीजिए आधार, वहां पे एक ऑप्शन आएगा UIDAI, तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको लॉग इन करना है आधार के थ्रू। अपना आधार नंबर डालिए इसमें, आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपको इसमें कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के सेंड OTP डाल लेंगे हम, और आपका OTP आपके मोबाइल नंबर पर मिलेगा अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तब। तो आपका मोबाइल नंबर मानते हैं रजिस्टर्ड होगा, वो हमें OTP इसमें आ जाएगा आपके मोबाइल पे, वो डालना है और उसको लॉग इन करना है। जैसे ही लॉग इन करेंगे हम, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जो आधार को अपडेट करने के लिए आते हैं, डाउनलोड आधार करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो आधार नंबर है कौन से बैंक से लिंक्ड है। अगर गवर्नमेंट मेरे को पैसे ट्रांसफर करेगी, चाहे आजकल सहारा का हो रहा है, आप बहुत सारे बैंक ट्रांसलेशन के जो किसान लोगों को पैसे आते हैं गवर्नमेंट से, या बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से जो पैसे आते हैं डायरेक्टली जो सिटीजन्स को आते हैं, वो ये जो आधार लिंक्ड होता है बैंक उसमें आते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा आधार लिंक्ड है, तो इस तरह से आप भी इसको पता कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।